दो मिनट दे दो हम जरा ना फिर बुलाते हैं आपको भी सेकंड। दो सेकेंड फिर आपको देता हूँ नहीं नहीं आप भी आ रहे दो सेकंड। शूज पहनो ना शूज की नहीं पहन रहे आप शूज पहनो तब तो तक तैयार हो ना गैरी पर, वो लोग हैं जिसकी आप बहुत देर से वेट रहे थे जी हाँ आज मेरे पास है जैसा कि आप देख सकते हैं दो चेयर है और उनके हस्बैंड है वो मुझसे मिलना चाहते थे अप्रैल दो में उनकी हुँ. जो मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर आया थे पांच अप्रैल दो को तब मेरे पास सब्सक्राइबर थे अराउंड ओनली नाइन आज हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी अप्रैल दो से लेकर आज तक कैसी है और इन भाई साहब के साथ आए हैं इनकी वाइफ तो चलिए वेलकम करते हैं हस्बैंड और वाइफ को जो अपने सपने लेकर राजस्थान इंडिया से आए हैं और यहाँ पर आकर स्टडी कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में एज एम बी चलिए वेलकम करते सबसे पहले हस्बैंड जिनका नाम है धर्मपाल जी जो राजस्थान से आइए धर्म जी आइए कैसे हैं धर्म जी बिल्कुल ठीक है ठीक है ऑडियंस हमारे पास और बजट कम है हम सबको एक ही यूज कर माइक हम तीनों को तो माइक हम पास करेंगे बुरा मत मानना धर्मपाल जी आप बताइए कि आप मुझे कैसे जानते हैं मैं वैसे तो पर्सनली नहीं जानता था बाकी जब मैं पहली बार यूके आया था सत्रह मार्च को जब मैं लॉकडाउन था यहाँ पे, तब मैं बैठा था बैठा था फिर ही बैठा रहता था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा था ट्वेंटी फाइव मार्च को तब उसके बाद में हमें शुरू से आपके वीडियो देखता हूँ और अच्छी मतलब जितनी अच्छी बातें हो सकती है ना बहुत कुछ मैं मुझे सीखने को मिला आज उनकी बदौलत ही उन्होंने मैं मतलब पहले एक वीडियो बनाया था एजेंसी के नाम से जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है मैंने वहाँ पे जाके इनके वीडियो आने के बाद मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था और इनके वीडियो की बदौलत ही आज मुझे जॉब मिली है उसके अलावा मैं पहले बैठा था मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिली थी हालांकि मैंने भी बहुत संघर्ष किया था लेकिन जब इनका वीडियो आया था ना मेरा यहाँ पे यूके में कोई यार दोस्त है ना कोई पहचान का ना कोई रिश्तेदार सिर्फ ये बड़े भाई हैं मेरे धर्मपाल जी आप राजस्थान से आपकी बाइ यहाँ पर एमबीए का कोर्स करने वूस्टन में आई हैं आप इतने दूर से मुझे वूस्टल यूनिवर्सिटी से मिलने के लिए आए हैं तो क्या एक ऐसा रीजन है जो आप मुझे इतनी दूर से मिलने आए रीजन तो भाई साहब सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप इंडिया के हो हमारे बड़े भाई हो और दूसरी बात वूस्टर है ये तो नज़दीक है वूस्टर तो अगर हम लंदन भी होते तो आपसे मुलाकात करने के लिए ज़रूर आते क्योंकि आपके जो वीडियो आते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इसलिए मतलब श्योर था कि भाई आपसे मुलाकात हो हुई लेट है वो जैसे भी भगवान ने चाहा जब हो जब उन्होंने चाहा तभी हुई है हमारे चाहने से कुछ नहीं होता और दूसरी बात जो आपकी वीडियो आते हैं हर एक वीडियो देखता हूँ लाइक भी करता हूँ और लाइक मेरे फ़ोन से तो एक ही बार होता लाइक अगर मैं चाहूँ तो मतलब मेरे फ़ोन से हज़ार लाइक दो इनको अगर ये चीज़ पॉसिबल हो तो और बाकी ये कोई बात नहीं है कि भाई जॉब नहीं है जॉब भी खूब है और पढ़ने वालों के लिए यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और जहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ हूस्टर में रहता हूँ वो शहर भी बहुत अच्छा शहर है ऐसी कोई बात नहीं कि भाई वो हूस्टर कोई छोटा शहर है और अच्छा नहीं है पूरा यूके अच्छा है और यूके गवर्नमेंट भी अच्छी है और यहाँ की जो गाइडलाइन है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते रहो जीवन में कामयाबी हंड्रेड परसेंट मिलेगी आपको बाकी बड़े भाई साहब की जो वीडियो है वो देखते रहो अपने आप हाँ ही मिल जाएगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में तो ये था कि आपको जॉब मिलगी वूडस्टर यूनिवर्सिटी के पास आप वूडस्टर रहते हो वूटर शहर बहुत ही सुंदर है आपको जॉब आपने जॉब में स्ट्रगल नहीं किया ये जो बच्चे जो स्पॉस देख रहे हैं जो हस्बैंड हैं ये डिपेंडेंट वाइफ के ऊपर इनकी वाइफ स्टडी करती हैं ये पढ़ ये काम करते हैं और इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने एजेंसी जो वूस्टर के बच्चे स्पेशली हैं वहाँ पर एजेंसी में आगे वीडियो बनाया था वहाँ जाएँ काम मिलता है और आज की डेट में फुल टाइम काम कर रहे हैं इवन कि ये छः दिन भी काम कर रहे हैं तो क्या जो लोग आपको ये कहते हैं इंडिया में स्पॉस को काम नहीं मिलता है और आपको इसे और बता देता हूँ जो ये काम करते हैं उसकी कोई स्किल भी नहीं चाहिए वो पिकिंग एंड पैकिंग की जॉब होती है वेयर हाउस में वो कोई भी लड़का इंडिया जो बैठा है वो कर सकता है ठीक है ना कोई भी तो चलिए ओके तो चलिए वेलकम करते हैं इनकी लाइफलाइन को इनकी वाइफ को जिनका नाम संजू है तो वेलकम करते हैं संजू जी संजू जी आइए आप इस शो पर संजू जी आज हम सबको ना ये माइक एक ही है आइए आज हमारे पास माइक एक ही है हमें एडजस्ट करना पड़ा हमें पास करना पड़ा माइक ठीक है तो बैठिए बैठिए मोस्ट वेलकम संजू जी थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आप कौन सा कोर्स कर रही हैं और आप, आप आ, आप क्या आप क्या कर रही है कौन सा कोर्स कर रही हैं मेरा नाम संजू है मैं एम बी ए में हूँ वोस्टर यूनिवर्सिटी में और मैं यहाँ पर यू के में ट्वेंटी सिक्स जनवरी को आई थी और मेरे हस्बैंड आए थे सोलह मार्च को तो अभी हाल फिलहाल जैसे अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है तो हाँ मेरी इच्छा पर है दो या तीन दिन मैं कर लेती हूँ अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ही करते हैं मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं तो काम की भी इतनी कोई नहीं है बस मैं अभी अपनी स्टडी पर ही फ़ोकस कर रही हूँ और यूके में मतलब स्टडी भी काफ़ी इजीली हो जाती है कंपेयर इंडिया की थोड़ी डिफरेंट स्टडी है बट हाँ इजीली मतलब कर सकते हैं इतना कोई इशू नहीं है भाई बाहर जा रहे हैं तो यहाँ की स्टडी समझ में नहीं आएगी ये वो आराम से पढ़ सकते हैं और जॉब्स भी इजीली मिल जाती है बस अपन को अप्लाई करना पड़ता है जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट वगैरह है इंडीड वगैरह उन पर अप्लाई करते रहो अदरवाइज़ एम्प्लॉयज़ के लिए मतलब होती है एजेंसीज़ वग़ैरह तो उनके थ्रू भी मिल सकती है और मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है यूके में और आज इन भाई साहब से मिलने का मौका मिला बस यही है संजू जी मेरा क्वेश्चन आपसे मेन क्वेश्चन ये है जब जो एजेंट रहते हैं इंडिया में कि स्पॉस को साथ में आना चाहिए कि बाद में आपके ख्याल में स्पॉस को साथ में आना चाहिए कि बाद में डिपेंड चाहिए कि ये नहीं करता है ये फिर बताएंगे आप पब्लिक को नहीं ये कोई डिपेंड नहीं करता और ये फ़ाइल पर भी डिपेंड करता है भाई आपकी फ़ाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है और या फिर आपकी मेरेज को कितना टाइम हो गया हमारी मेरेज को अभी इस फेब में दो साल हो जाएंगे तो हमारे तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया था कि भाई आपकी फ़ाइल लगेगी नहीं या फिर ये कुछ सोचना पड़ा कि भाई रिफ्यूज़ल वगैरह का तो ऐसा कुछ नहीं साथ में भी लगा सकते हैं उनका भी हो जाता है कुछ टाइम बाद में भी लगा सकते हैं तो हाँ बस फाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए तो इजीली लग जाता है इस पाउस का सॉरी ऑडियंस हमारा बजट कम है आज हम माइक कैसे लगाए क्योंकि मेरे फिर का तीन लोग नहीं है ये पहले लोग हैं प्लीज कंजूसी मत करो दिल खोल के लाइक करो जितने आप लाइक करोगे उतने आपके लिए आएंगे उतनी सारी इंटरव्यू आपके लिए तो प्लीज प्रॉमिस कीजिए आप मुझे फिर दो लाइक दोगे और लाइक टैक्स फ्री है जितना लाइक करोगे उतने बच्चे आगे और ये वोस्टर से हैं वोस्टर यहाँ से फोर्टी फाइव मिनट वन आवर ट्रेन में आए सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए इनकी तो लाइफ बन गई यूके में सिर्फ आपके लिए तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इस कंट्री में अठारह साल रहना और मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस कंट्री में एज ए बड़ा भाई तो ये आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया है मुझे कि ये डिपेंड करता है फाइल के ऊपर कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आए अब मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ दोनों को आइलेट्स देना पड़ता है जब आते हैं बाहर क्या था आपके केस में आइल्स के बारे में मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे ट्वेल्थ के परसेंटेज के बेसिस पे मेरा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था पर अभी की जो जनवरी में गाइडलाइन आ रहे हैं उनके हिसाब से आई थिंक कोई भी स्टूडेंट आए तो उसको आइल्स क्लियर ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये यूके सी कंट्री है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है तो मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए तो उसे इंग्लिश में मतलब अच्छे मार्क्स वगैरह या फिर आयल्स करके ही आना चाहिए ताकि यहाँ पे आने के बाद में इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हो तो वो ख़ुद के लिए अच्छा है कि भाई इंडिया से इंग्लिश पूरी प्रिपेयर करके ही आए हाँ जी थैंक्स बेटा अब मैं टर्न करता हूँ भाई साहब की तरफ भाई साहब जी अब ऑनेस्ट बताओ कितने पैसे छापते हैं आप एक महीने में कितने कमाते हैं तो मेरे ख्याल से दो हज़ार पाउंड कमा लेते हैं एक डिपेंडेंट ईजिली जब आप फुल टाइम काम करते हैं यहाँ पर बताना चाहेंगे पास <laughs> बिल्कुल जी आराम से दो दिन रेस्ट भी करता हूँ वीक में और बाकी पाँच दिन छः दिन काम करता हूँ आराम से दो हज़ार पाउंड बन जाते हैं कोई ज़्यादा टफ काम भी नहीं और इंसान चाहे तो दो हज़ार नहीं तीन हज़ार पाउंड साढ़े तीन हज़ार पाउंड आराम से कमा सकता है अगर सेवन डेज काम करे तो बाकी दो दिन इंसान को पाँच दिन चार दिन ही काम करना चाहिए या पाँच दिन करना चाहिए ताकि दो दिन आराम से रेस्ट करे रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है फिर थोड़ा यूके में भी घूमना चाहिए इतनी दूर आए हैं तो सिर्फ काम के लिए थोड़ी है और सबसे बड़ी बात है बीवी को खुश रखना चाहिए उनको घुमाना चाहिए फिराना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काम करें पाँच दिन काम करो दो दिन आराम करो सही कह रहे हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड इकट्ठे भी करो तो ये बात हमने की है आपकी फाइल के बारे में ये बात हमने की है आप कमाते भी हो ये बात हमने की है आप आइल्स के बारे में अगर मैं थोड़ा आपसे पर्सनल क्वेश्चन मुझे कितना पैसा शो करना पड़ता है जब आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इंडिया से कितने लाख दिखाने पड़ते हैं अगर बताना चाहेंगे तो आप जी मैंने जब मेरी खुद की फ़ाइल लगाई थी तो मैंने दस दस लाख रुपए शो मनी की थी और दस लाख रुपए ही मेरी वाइफ की शो की थी दोनों की दस दस लाख रुपए शो की थी और हमारा वीज़ा बड़ा इजीली लग गया था मेरा एक दिन का ही लगाया था जो फास्ट में होता ना वही लगाया था क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगने की स्थिति थी इसलिए मैंने फास्ट में लगाया था और ईज़ीली मेरा सेकेंड डे वीजा भी आ गया था कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो स्पॉस इंडिया या पाकिस्तान या बंगला नेपाल के बहुत नर्वस होते हैं और बोलते हैं कि सर हमारी इंट्रव्यू एयरपोर्ट पर कैसी होगी हम इन भाई साहब से पूछते हैं जो पर आए हैं क्या इनकी इंट्री हुई थी अगर इंट्री हुई थी तो कौन से क्वेश्चन पूछे थे क्या ये भी नर्वस जो हम लोग सब नर्वस होते हैं चलिए तो आप इनसे पूछते हैं कि इनका एयरपोर्ट एक्सपीरियंस कैसा था भाई साहब मैं मतलब भाई साहब को भी बता रहा हूँ आप सभी भाइयों को भी बता रहा हूँ बहनों को भी बता रहा हूँ मतलब मेरी एयरपोर्ट पे एक्चुअल बात है सब बोलते हैं इंट्री होती है मेरी कोई भी इंटरव्यू नहीं हुई थी एक पर्सन एक क्वेश्चन भी नहीं किया था मेरा सिर्फ पासपोर्ट लिया था पासपोर्ट लेके ठप्पा मार के बोले जाओ मेरे को सिर्फ इतना ही कहा था इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा तो, था तो ये तो हो गया भाई साहब जिनकी इंटरव्यू नहीं हुई थी अब पूछते हैं इनकी वाइफ से जो वो स्टूडेंट जनवरी 2020 में आई थी क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछे अम्बेसी ने अगर इनकी इंट्री अम्बेसी की इंडिया में हुई कि नहीं हुई और हमसे उनसे ये भी पूछते संजू जी से कि क्या उनकी इंट्री एयरपोर्ट हुई थी संजू कुछ बताएंगे आप इसके बारे में हाँ मेरा भी इतना कुछ कोई खास मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ था जब मैं दिल्ली गई थी अपनी वीज़ा लगाने तो वहाँ पे भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं भाई आपका क्या नेम है आप वहाँ क्यों जा रहे हो वहाँ के लिए स्टडी क्यों चूज़ की आप यहाँ पे भी तो कर सकते हो तो ये नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछते हैं और जब मैंने यू के बर्मिंग आई थी तो यहाँ पर भी इतना कुछ इंक्वायरी हुआ नहीं था बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं और नर्वस की बात तो ये है मेरे से ज़्यादा नर्वस तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि पहली बार मैं घर से निकली थी और वो भी सीधा यू के लिए और सिर्फ अकेली थी हस्बैंड भी नहीं थे तो नर्वस तो होने की बात है नहीं बस खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सब कुछ हो जाता है बस <laughs> देखिए देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करते जाओ आपको ऐसी ही बातें बता रहे हैं संजू और धर्मपाल जी आपको मोटिवेट करें इन दोनों के इंटरव्यू नहीं एयरपोर्ट बहुत इजीली आ गए हैं और इवन के वैसे भी इंटरव्यू नहीं तो जो लोग डर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में प्लीज़ डरिए मत कॉन्फिडेंस लेकर आइए जैसे धर्मपाल जी ने कहा है हार्ड वर्क कीजिए यूके का सारा लॉ फॉलो कीजिए अगर कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए आप गवर्नमेंट ऑफ रिक्वेस्ट पर जाइए वो बाइबल की तरह वहाँ आप पर आपको सब इफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको रिमाइंड कर दूँ मैं कोई मेरी सॉलिसटर नहीं मैं यहाँ पर हूँ एज ए बड़ा भाई जो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता है जो इस कंट्री में सीखा अठारह साल से तो ये सारी बात

आ, सच बताऊँ तो इंडिया में तो इतना कुछ बनाना नहीं पड़ता था क्योंकि घर पे मेरे ससुराल में मम्मी और वो बनाते थे और मेरे पीहर में मम्मा बना लेते थे यहाँ पे आने के बाद मैं धीरे धीरे दोनों ने सीखा तो दोनों करते हैं ऐसी बात नहीं मैं अकेली बनाती हूँ ये भी बहुत हेल्प करते हैं तो मेरी तो हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है दो जने ही है तो मिल बाट के कर लेते हैं तो इजीली हो जाता है अदरवाइज एक पे थोड़ा ऐसे होता है भाई टाइम लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है और थोड़ा बहुत बना लेती हूँ ज़्यादा तो नहीं है तो बनाना तो ये तो थो क्या थोड़ी आपने एक दूसरे सपोर्ट करते हैं जो बहुत अच्छी बात है जो स्पॉस इंडिया में देख रहे हैं पाकिस्तान देख रहे हैं आप बहुत लक्की हो आपके साथ आपकी वाइफ है कि जब दो लोग स्ट्रगल करते हैं ना तो एक दूसरे सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है इन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड है टच वट ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं मैं तो ऐसे बड़ा भी बढ़ा हुआ ऐसे खुश रहे तो अब इनसे पूछते हैं इनके आगे के क्या प्लान है पूछते हैं मेनली इनकी वाइफ से क्या वो स्टडी के बाद आगे पी एच डी करना चाहती हैं क्या उनको पोस्ट स्टडी वर्क रिजल्ट क्या लेना उनसे पूछते हैं अभी जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है दिसंबर में उसके बाद में मेरा एम बी विथ इंटर्नशिप है तो मुझे छः महीने की इंटर्नशिप कहीं भी ढूंढनी है इंटर्नशिप करने के बाद में मैं पीएचडी करना ही चाहती हूँ उसके बाद में पी डब्ल्यू का सोचूंगी ये है थैंक यू वेरी मच धर्म सिंह थैंक यू वेरी मच संजू जी तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आ, जो बच्चे आपको देख रहे हैं पहले आप हस्बैंड हो आप बताओगे कि जो लड़के देख रहे हैं एज ए हस्बैंड उनको क्या सीख कर आना चाहिए इंडिया से या क्या उनके पास क्या उनको एक मैसेज हो कि आप आठ नौ महीने से रह रहे हो तो आप जो लड़कियाँ हैं आप उनको बताएंगे कि यहाँ पर लड़कियों के लिए सेफ है यू कैन सेफ है और एक लड़कियाँ को यहाँ पर आने के लिए क्या करना चाहिए अब दोनों आप भी बताओगे पहले धर्मपाल जी आप मैं तो सभी मेरे भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई घर से बाहर निकलो दुनिया बहुत बड़ी है देखो दुनिया और अगर आप पढ़ाई में आना चाहते हो तो आप आओ या फिर अपनी बीवी को पढ़ाओ मैं तो मेरी बीवी को पढ़ा रहा हूँ ठीक है बाकी आप कोशिश करो अगर आप पढ़ते हो और ये बात है कि भाई मेहनत करोगे ना आप सफलता आपको हंड्रेड परसेंट मिल जाएगी और अपने बड़े भाई बैठे हैं ये अपन को हर रोज़ कोई ना कोई नई बात बताते हैं तो ये तो मान के चलो कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी यूँ क्या होगे ना तो आप मोस्ट वेलकम आपका आओते मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए घर से बाहर तो निकलना ही चाहिए तभी बाहर का पता चलता है और यूके में ऐसा कुछ नहीं है लड़कियां इजीली मतलब सेफ़ है कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं खुद से कहीं भी आ जा सकते हैं नाइट को भी आ सकती है कई लड़कियाँ होती है जो पार्ट टाइम जॉब करती है तो काफ़ी लेट भी उनको नाइट में आना पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेफ नहीं है आराम से सेफ़ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतने सारे यहाँ पे कैमराज लगे हुए होते हैं आप कहीं भी रहोगे हर शॉप के बाहर कैमरा मिल जाएगा हर आपके आपको घर के बाहर मिल जाएगा हर एक स्ट्रीट पर कैमरा है तो ऐसा कुछ इशू नहीं है लड़कियाँ यहाँ पे बहुत सेफ़ है कंपेयर टू इंडिया और रही बात हस्बैंड की तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से सबको ऐसे हस्बैंड ही मिलने चाहिए इतने अच्छे जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी सपोर्टिव है और मेरे ससुराल वाले भी बहुत सपोर्टिव है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके यहाँ पे पहुँचाया वरना इतना इजी नहीं होता कि भाई बहुओं को बाहर पढ़ने के लिए भेजें कौन है ससुराल मेरे ससुराल में मेरे पापा है मेरे मम्मी हैं और भाई साहब हैं और भाभी जी हैं उनके दो बच्चे हैं एक दीदी है और दो उनके बच्चे हैं तो हम इकट्ठा ही रहते हैं पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे फिर भी बाहर भेजा कि भाई बेटा आप घर से बाहर निकलो बाहर निकलोगे तभी आपको कुछ पता चलेगा नई दुनिया देखोगे तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं भगवान करे सबको ऐसे ही ससुराल वाले मिले खासकर मेरे हस्बैंड मैं देखिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया संजू कितनी ऑनेस्ट लड़की है और आज के ज़माने 2020 की लड़की है जो एम कर रही है यूके की टॉप यूनिवर्सिटी वूर्स से कर रही है कैसे वो ऑनस्टली बता रही है कि जो उसके मदर इन ला फादर इन ला है बहुत सपोर्टिव है इवन की वो ज्वाइंट फैमिली से आई है और उन्होंने यही बोला है कि इनको कि बेटा आप अपनी जिंदगी बना लो हमारा ख्याल की कोई बात नहीं हम पीछे ठीक है ऐसे ससाव सबके होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है जो धर्मपाल जी है ना ये बहुत ही काम है और बहुत ही नाइस नेचर है बहुत सपोर्टिव है और इवन कि अभी संजू को कह भी रहे थे मेरे ऑफ कैमरा कि संजू अगर काम नहीं भी करना है तो मत करो मैं काम करूँगा मैं आपकी फीस नहीं आप पढ़ो ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता देखिए आपके सामने एक लड़का बैठा है जो धर्मपाल जो मुझे जानते भी नहीं है सिर्फ हमारी एक बार अप्रैल में बात हुई थी जब इन्होंने कहा था मुझे मिलने तो मैं ब्रिस्टल में था अब इन्होंने मुझे बताया कि आऊंगा पर बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो वाइफ को सपोर्ट करते हैं तो आई होप कि आपके हस्बैंड भी आपका सपोर्ट करें वीडियो कमेंट्स में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा है और वीडियो कमेंट्स ये भी लिखना कि आपको अगला क्वेश्चन स्पॉ से कौन सा पूछना है और प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना जितना आप लाइक करोगे उतना और बच्चों को इंकरेजमेंट मिलेगी एक से भी धर्मपाल जी ने मुझे ये कही है कि देखो एजेंट अपना जॉब करते हैं हमें एजेंट के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुझे ना धर्मपाल जी को ना उनकी वाइफ को पर एक चीज़ आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप यूके आओ ना कोर्स से सिलेक्ट करो क्योंकि अगर आप कोर्स से सिलेक्ट नहीं करते ना आपका एजेंट आपको बाहर भेजता है वो तो पैसा कमा के अपने घर चले जाता है लेकिन आपकी लाइफ सफल होती थोड़ा सा यहाँ पर धर्मपाल जी नाराज है और वो आपको बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस अपने एजेंट के साथ कि उनके साथ क्या हुआ था तो प्लीज को ध्यान से सुनिए और आप लोग भी अपना कोर्स ध्यान से सिलेक्ट करना मैं सभी भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब आप यूके आने की सोच ली भाई चलो अपन को यूके चलना लेकिन उससे पहले आप धरातल पे एक्सपीरियंस किसी चीज़ का सबसे पहले तो एक्सपीरियंस लेके आओ दूसरी बात जो कोर्स चूज़ करो वो उस कोर्स में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए ऐसे नहीं कि भाई अपन को यूके जा रहे हैं इस एमबीए कोर्स में हो जाए कोई और कोर्स में हो अपन को इजी वीजा मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है वो वह देखो अगर दो पैसे लगा रहे हो आप दस लाख रुपये लगा रहे हो फीस के तो ये मान लो कि भाई ग्यारह लाख रुपये लग जाएंगे बारह लाख लग जाएंगे लेकिन कोर्स ऐसा चूज़ करो कि जीवन में आपको कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े किसी के कहने में मत आओ खुद पे डिपेंड होना चाहिए इंसान को ऐसे कोई कह देगा तू ये ले ले ये ले ले और एजेंट सभी समान है मैं ये मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा हूँ एजेंट को एजेंट की बदौलत ही अपनी फाइल लगती है ये मान के चलो तो मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई कोर्स अच्छे से अच्छा कोर्स लेके आओ और मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कोर्स लेके आ गए और यहाँ पर आके परेशान हो ऐसा ना हो आपके साथ देखो धर्मपाल जी आपको बहुत अच्छी बात बोली कोर्स सही सिलेक्ट करो और जो कोर्स है वो गवर्नमेंट यूके वेबसाइट पर फिर है मैंने वीडियो भी बनाया शॉर्ट ऑक्युपेशन लिस्ट उस वीडियो को देखो देखिए आपका कोर्स शॉर्ट ऑक्युपेशन लिस्ट में है कि नहीं है आपका कोर्स डिमांड में है कि नहीं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया प्लीज जाइए और अगर मेरा वीडियो नहीं देखना तो आप गवर्मेंट डॉट यूके वेबसाइट पर जाइए वहां टाइप की शॉर्टेज ऑकुपेशन लिस्ट आपको मिल जाएगी किस कोर्स की डिमांड है ये था आज का वीडियो दिल खोल के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब बताना अगली बार आप किसको देखना चाहते मेरे शो पर आज आपकी डिमांड पूरी होगी आज आपके एक स्पोर्ट कपल आया है जो आपका से नहीं सात आठ मिनट वेट कर रहे थे और आया भी वो यूनिवर्सिटी से इतनी दूर से आया आपके लिए आया आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा वीडियो कमेंट में लिखना आपको वीडियो कैसा लगा है और प्लीज ये भी लिखना कि आगे आपके क्वेश्चन पूछना थे स्पॉज से ताकि अगली बार मैं क्वेश्चन अपने वीडियो में एड कर सू ऑन द मीन टाइम गार्स प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी आप जहां रहें खुश रहें बाहर रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें तब तक के लिए अलविदा दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे क्योंकि मेरे पास है अठारह साल का एक्सपीरियंस एज ए फॉर्मर स्टूडेंट इन दिस कंट्री एंड रिमोट कंट्रोल चैनल इन योर हैंड एंड डोंट फर कम टू टाग्राम इफ यू वॉन्ट बिकम माई फ्रेंड्स लाइफ ऑवर there